हूं या औरत आटा पीस रही है, आटा पीस रही है। जब आटा पीस रही होती है तो अचानक तेज हवा चलती है और वो सारा आटा उड़ाकर ले जाती है और उस बुढ़िया के गुजारे के लिए वही थोड़ा आटा होता है। घर के अंदर वो बच्चे जो हैं, जो उसके साथ वाले हैं, सबके लिए वो जो वही आटा है, कुछ और नहीं है। वो आटा पीस रही होती है, अचानक हवा चलती है तेज और सारा आटा उड़ाकर ले जाती है। इस बुढ़िया को मलाल होता है कि बच्चों के पेट भरने के लिए नहीं था, कई दिन हो गए, वक्त गुजर गया, आज मौका मैसर हुआ था, ये हवा वो भी उड़ाकर ले गई, आंख में आंसू भर आए। रोटी नहीं रास्ता तय कर रही है, रास्ते में मुलाकात हो जाती है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब देखते हैं उस बुढ़िया को रोते हुए और परेशानी का आलम देखते हैं तो आपसे रहा नहीं जाता, आप पूछते हैं, ए बड़ी बी क्यों रो रही हो, क्या बात है, क्या तकलीफ है? कहा, मेरे गुजारे के लिए मेरे लिए थोड़ा आटा था, उसको मैं पीस रही थी, अचानक हवा चली, सारा आटा उड़ाकर ले गई, मेरे बच्चों के पेट भरने का वो सामान उड़ाकर ले गई। मैं इसलिए रो रही हूं कि अब कैसे होगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, जाओ वक्त पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम के पास जाओ और उनसे जाकर कहो ये सारी दास्तान है। ये बुढ़िया चली गई दाऊद अलैहिस्सलाम के पास। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किसी और तबीयत से भेजा था, वो चूंकि बुढ़िया उस आटे पे तकिया की थी, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसका यकीन बनाया और भेज दिया। वो दाऊद अलैहिस्सलाम के पास गई, कहा मेरा आटा हवा उड़ाकर ले गई, मेरे बच्चों के लिए पेट भरने का वही जरिया था, मेरे बच्चे भूखे, मैं भूखी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने आटे का गट्ठा उठाया, दे दिया, लो आटा ले जाओ, बस आटा उड़ा ले जाओ। अब इसको तो तसल्ली हो गई, आटा मिल गया, ये आटा लेकर चली। रास्ते में फिर मिल गया सुलेमान अलैहिस्सलाम, का आटा मिल गया, हाँ मिल गया, क्या वही वाला आटा है या दूसरा है? बुढ़िया से कहने लगे, वही आटा है या दूसरा है? वो कैसे मिल सकता है, ये तो दूसरा है। नहीं, जाओ दाऊद अलैहिस्सलाम से कहो मुझे तो वही वाला आटा चाहिए, मुझे वही वाला चाहिए। अब ये वापस चली गई बड़ी बुढ़ी, बड़ी भी फिर चली गई और जाने के बाद कहा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो वही चाहिए, वो बड़ी मेहनत, बड़ी मशक्कत, मेरी हलाल मेहनत की मजदूरी थी वो, मुझे तो मेरा वही आटा चाहिए। मैं छोड़ दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, ये बोली तुम्हारी नहीं है, ये तेरी बोली नहीं है, अगर तेरी बोली होती तो तू पहले बोली होती, ये तेरी बोली नहीं है, किसी और की बोली है। उन्होंने कहा, हाँ ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की बोली है। हल दाऊद अलैहिस्सलाम ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को बुला लिया, कहा भाई सुलेमान, वो हवा ले गई उड़ा के, वो आटा कैसे आ सकता है? अब देखिए ना, अकल भी इस बात की कैसे कबूल ही नहीं करेगी, वो आटा हवा ले गई उड़ा के, कहाँ ले गई होगी,
उधर से आ सकता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से हाँ दुआ करो, कैसे आ सकता है, कैसे हो सकता है, तो रब जाने, हमारी अकल से तो बाहर है, लेकिन अल्लाह के लिए थोड़ी मुश्किल है। हाँ, जिस तरीके से कौम बनी इसराइल के अंदर एक शख्स था जिन्हें जिंदगी के अंदर कभी कोई अच्छा काम ही नहीं करा, गुनाह करे सारी जिंदगी 500 वर्ष तक गुनाहों में गुजारी, कोई अच्छा काम नहीं, लेकिन जब मरने का वक्त करीब आया उसने अपने बेटे को बुलाया, वसीयत कर दी कि बेटा मेरी मौत आने वाली है, मैं मर जाऊं ना तो तू मेरी लाश को दबाना नहीं बल्कि जला देना, और जलकर जब राख हो जाए तो उसकी राख आधी हवाओं में उड़ा देना, आधी दरिया में बहा देना, यानी राख भी इकट्ठी ना रहे, हवाओं में उड़ा दो, दरिया में बहा दो। बाप जब मरा बेटे ने ऐसे ही कर दिया, उसकी लाश को जला दिया, और जब राख ठंडी हुई तो आधी राख हवा में उड़ा दी, आधी राख दरिया में बहा दी, दरिया की लहरें बहा कर कहीं भी ले जाए, हवा उड़ा कर कहीं पे भी ले जाए। ये बच्चे ने जब करा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हवा को हुक्म दे दिया, ए हवा जरा ठहर जा, और ये राख के सारे जर्रात फरिश्ते से कहा समेट कर लेकर आ जाए, दरिया की लहरों जरा ठहर जाओ, फरिश्ते जा सारी राख को समेट लो, सारी राख समेट कर फिर मुजस्समा तैयार। उस यहूदी का मुजस्समा फिर तैयार हो गया, अल्लाह के सामने पेशी हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूछा है मेरे बंदे तूने ये सी वसीयत क्यों करी थी? तो ये कहने लगा मैंने जिंदगी में तो कोई अच्छा काम करा नहीं था, मुझे मालूम था तेरे सामने पेश होना है, जब मैंने कोई अच्छा काम करा नहीं तो तेरे सामने क्या मुंह लेकर आऊं, मैं तेरे डर से तेरे खौफ से मैंने ऐसा हुक्म दिया, मैं अपनी नाकिस अकल से ये सोच बैठा था कि ऐसा करने से तेरे सामने पेश होने से बच जाऊंगा, मेरी अकल जितनी थी मैंने सोच लिया, लेकिन ए मौला तेरी कुदरत से कोई मुश्किल नहीं, तूने पहले भी मिट्टी से बनाया फिर तैयार कर। रब ने फरमाया अच्छा तूने मेरे डर से मेरे खौफ से ऐसा करा था, तो जा, जब मेरे से कोई डरता है खौफ रखता है मेरा तो मैं उसे अपना दोस्त बना लेता हूं, फरिश्तों से कहा जा उसको भागे जन्नत में दाखिल कर दो, ले जाओ क्योंकि मेरे से डरने वाला है मेरा खौफ रखने वाला है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी हो जाए, हवा उड़ा कर ले गई, सुलेमान अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अब अल्लाह से दुआ करो, वो आटा कैसे आएगा हमें नहीं पता कैसा क्यों क्या, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से दुआ करो, हमारे पास फुर्सत नहीं है, हम कभी होता है एक दिन में थोड़ी देर पूरे ध्यान से जरा नौ लगाएं, अल्लाह से माफी मांगे, दुआ करें, ये दुआ नहीं है हम खाली सलाम बे अल्लाह उम्मत सलाम का सलाम, ये तो एक अल्फाज, जरा इसमें तवज्जो हो, ध्यान हो। इफ्तार के वक्त दुआ कर रहे थे लेकिन ध्यान दुनिया की तरफ था, सोचा नहीं कि ये कैसा वक्त है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं इफ्तार का वक्त वो मुबारक वक्त होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को दो वक्त खुशी अता फरमाता है, एक तो होगी रब के दीदार के वक्त,
और दूसरी है इफ्तार की, यानी जैसी इंसान को अल्लाह का दीदार करते वक्त खुशी होगी ना, तो पर्दे के अंदर समझ लो इफ्तार के वक्त रूहानी एतबार से रब का दीदार करना होता है, कोई ध्यान ही नहीं होता, दुआ का वक्त तवज्जो। सुलेमान अलैहि सलाम कहते हैं दुआ करो, दुआ करिए अल्लाह से। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दाऊद अलैहि सलाम की दुआ करने पर हवा को भेज दिया दाऊद अलैहि सलाम के पास, हवा आ गई। दाऊद अलैहि सलाम ने कहा ए हवा जरा ये बता बुढ़िया का आटा उड़ाकर क्यों लेकर गई, तूने उस बुढ़िया के आटे को क्यों उड़ाया, क्यों लेकर गई। हवा ने कहा मुझसे क्या पूछते हो, हवा के फरिश्ते से पूछो, मैं तो फरिश्ते के माता है तू ना है? दुआ करी हवा का फरिश्ता आ गया, फरिश्ते से पूछा भाई इस बुढ़िया का आटा क्यों उड़ा कर लेके गए, उस फरिश्ते ने कहा मुझसे क्या पूछते हो, तो मेरे सरदार जिब्रील से पूछो, सैयदुल मलाइका से पूछो, मैं भी तो मेरा भी तो सरदार है ना। जिब्रील मीकाईल इसराफील सब से पूछ लिया गया इस बुढ़िया का आटा क्यों लेके गए, क्यों ले गए, सभी वो एक ही अपने से आगे वाले पे डालते रहे डालते रहे हैं। और फिर आखिर में कहा भाई हमसे क्या पूछ रहे हो, ये जो हमसे पूछ रहे हो कि बुढ़िया का आटा क्यों लेकर गए, ये रब से पूछो, रब ने हुक्म दिया तो हम लेकर चले गए, ये अल्लाह से पूछो ना भाई, हम तो अल्लाह के हुक्म के माते हैं, अब ये अल्लाह से पूछो। अब दाऊद अलैहि सलाम कहने लगे सुलेमान अलैहि सलाम से भाई अब क्या कहते हो, सारी बातें हो गई, हवा से भी पूछ लिया, हवा के फरिश्ते से भी पूछ लिया, जिब्रील से भी पूछ लिया, और सब ने ढूंढकर आखिर में क्या कह दिया, हमसे क्या पूछते हो, हम तो सब अल्लाह के हुक्म के मातहत हैं, अल्लाह के बंदे हैं, अब रब से पूछो क्यों बुढ़िया कांड हुआ है, क्यों बुढ़िया का आटा उड़वा है। अब जब दाऊद अलैहि सलाम ने सुलेमान अलैहि सलाम से कहा अब क्या कहते हो, तो सुलेमान अलैहि सलाम ने कहा कि अब रब से पूछना है तो बात यह है कि अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है, उसका कोई काम हिकमत से खाली नहीं है, उसका कोई काम हाँ उस अगर उसने ऐसा कराया है तो यकीनन इस बुढ़िया के लिए कोई फायदा रखा होगा उसने, ये आटा उड़ना भी बुढ़िया के लिए इसमें कोई नफा होगा, कोई फायदा होगा, अल्लाह का कोई काम। कभी ऐसा होता है ना, हमें भी नुकसान होता है, घाटा होता है, तो हम कभी मायूस ना हो, सबर करें उसमें, क्योंकि अल्लाह नफा देने वाला है, अल्लाह ही नुकसान से निकालने वाला है, नफा नुकसान सब अल्लाह की तरफ से, वो कुरान ने साफ तौर से कहा है वनक्सिन मिनल अंबान, मैं तुम्हें आजमाऊंगा माल में कमी और ज्यादती कर, कभी तुम्हें बहुत दे दूंगा, कभी बहुत रोक लूंगा, कभी बहुत कभी दे के आजमाऊंगा, कभी ले के आजमाऊंगा, देकर आजमाता है फिर लेकर मेरे लिए दो ज़कात निकालो। अब ये ज़कात निकलवाना नहीं असल, असल ना देखना चाहता है, आजमा रहा है तुम्हें माल से मोहब्बत है या नबी से मोहब्बत है, तुम माल के दीवाने हो या नबी के परवाने हो, अगर नबी के परवाने होगे तो फिर माल को अल्लाह की राह में खर्च करोगे, और अगर माल से मोहब्बत होगी तो हाँ इसका मतलब नबी का तरीका छूटे छूट कुछ भी हो
नाराज हो, कोई परवाह नहीं है। हाँ अल्लाह ये देखना चाहता कि तुम माल के दीवाने हो या नबी के परवाने हो, माल से मोहब्बत है कि नबी से मोहब्बत है, ये कसौटी है, कसौटी है। अल्लाह के खजाने तो लामहदूद है ना, उसको क्या जरूरत है। जरूरत हमें वो ये चाहता है, मेरे बंदों मैं तुम्हारी जरूरतें और ज्यादा पूरी कर दूं, तो मेरे रास्ते में जरा खर्च करो, यानी मुझे दो। वो बीज की तरह होगा, जैसे एक बीज बोया जाता है उससे जब गेहूं तैयार होता है तो हजारों, एक पेड़ के लिए बीज लगाया जाता है उसमें जो फल आता है फिर सालों फल आता है, उसमें सैकड़ों लोग उससे से शिकम शेर होते हैं, फैजियाब होते हैं। तो फिर कहा कि ये जब कहा ना कि अब अल्लाह से पूछो, अब किससे पूछो, तब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, अल्लाह का हर काम हिकमत से भरा हुआ होता है, हिकमत से खाली नहीं होता। अब अल्लाह ने ये बुढ़िया का आटा उड़वाया है तो फिर कोई ना कोई इसमें राज है, कोई हिकमत है, अल्लाह इस बुढ़िया को कुछ अता करना चाहता है। मैं इतना कहना था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि अब सारी हकीकत बयान करो, क्यों ऐसा करा है हमने। रब्बे कायनात ने फरमाया कि ये बुढ़िया का आटा क्यों उड़वाया मैंने, सुनो, समंदर के बीच एक कश्ती सुराख होने की वजह से डूबने वाली थी, उसमें एक सुराख हो गया, वो डूबने वाली थी। कश्ती में जितने लोग सवार थे उन सारे सवारों ने उसी वक्त मन्नत मानी, नजर मानी, ए अल्लाह, ए अल्लाह, हमारी ये कश्ती सही किनारे पर पहुंच गई, हम लोग महफूज किनारे पर पहुंच गए, तो हम अपने माल का इतना हिस्सा तेरे बंदे को अता करेंगे, तेरे बंदे की खिदमत में पेश करेंगे, तेरी राह में देंगे। जब उन सब ने मन्नत मानी, नजर मानी, मुझे प्यार आया कि अपना माल, माल से मदद करना चाहते हैं, खर्च करना चाहते हैं मेरी राह में, तो मैंने हवा को हुक्म दिया, हवा जा इस बुढ़िया के आटे को उड़ा कर ले जा, और वो जो सुराख हो रहा है कश्ती के अंदर उसके मुंह पर इस आटे को मल दे, उस आटे से उस सुराख को बंद कर दिया गया, कश्ती डूबने से बच गई कश्ती, और सारे मुसाफिर कश्ती में जितने सवार थे वो सब पुरसुकून तरीके से किनारे पे पहुंच गए, मंजिल पे पहुंच गए। और जब मंजिल पे पहुंचे, चूंकि वादे के सच्चे थे, तो उतर कर सीधे इन्होंने सोचा कहां जाए हम, वक्त के पैगंबर के पास चलो, दाऊद अलैहिस्सलाम के पास, और सब उनके हवाले करते हैं, वो जो जरूरतमंद होगा उसको दे देंगे, जरूरतमंद होगा। अभी इधर गुफ्तगू चल रही है, अल्लाह ने भेज दिया सुलेमान अलैहिस्सलाम से, जब ही बात हुई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए दाऊद, वो कश्ती जो डूबने वाली थी, आटा उस सुराख पर लगा, पानी आना बंद हो गया, वो सारे के सारे अभी तुम्हारे पास आ रहे हैं माल लेकर, और जब वो माल लाए वो सारा का सारा इस बुढ़िया को अता कर देना, ताकि इसकी सारी फकीरी दूर हो जाए, सारी भूख भरी दूर हो जाए, इसके घर में बरकतें नाजिल हो जाए, इसलिए कि इसने
सब्र किया तो सब्र के बदले में सुलेमान ने इसको सीधे रास्ते पर चलाया, रास्ते पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अल्लाह पर उम्मीद बन जाती है ना, वो कह रहा मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो, मायूस ना हो। हाँ, गुनाह कर लिए, खता कर ली, बंदे हो ना हो, इंसान हो, तुम्हारे में मादा है गुनाह करने का, खता करने का, लापरवाही करने का। तुम तो दुनिया के अंदर खता कर रहे हो, आदम ने तो जन्नत में भूल कर दी है? आदम ने तो हाँ खता नहीं बोलेंगे, भूल नहीं। आदम तो खता से पाक है, लेकिन एक भूल हो गई, दाने गंदम खा लिया, वो जन्नत में थे, पाक जगह में थे। तो तुम्हारे अब्बा ने जब भूल करिए तो मादा तो है ना, हमारे अंदर खमीर तो है ना, लापरवाही गफलत का मादा। तो अल्लाह को मालूम है मेरे बंदे तो गलतियां करेगा, खताएं करेगा है, लेकिन अगर तू गुनाहगार है तो मैं गफ्फार हूं, अगर तू खताकार है तो मैं सत्तार हूं, अगर तू मुजरिम है तो मैं मेहरबान हूं। वो करीम है मौला, तूने लापरवाही करी, गफलत बरती, रोजे पूरे ध्यान से न रखे है? तो अब आप थोड़ी देर बस बैठ जा, थोड़ी देर बैठ जा, बस कह दे मेरे मौला, मेरे मौला मैं कमा हक्का हूं, तेरी इबादत का हक नहीं अदा कर सका, मैंने ये गलती सारी गलतियां की हैं, बस मैं तो तेरे से माफी की उम्मीद लेकर आया हूं। तो वो खुद कह रहा है, मेरे बंदो मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो, इन अल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीया, मैं तुम्हारी तमाम खताओं को, तमाम गुनाहों को, तमाम गलतियों को माफ कर दूंगा, हर जुर्म को माफ कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा कि तुम्हारे रोजनामचे के अंदर एक दाग भी नजर नहीं आएगा, एक धब्बा भी नजर नहीं आएगा, एक गुनाह भी नजर नहीं आएगा, ऐसा पाक कर दूंगा। लेकिन तुम मेरे से जरा लौट लगाओ, इन्नल्लाह।